मेरा काफ़ी टाइम बाद विज़िट हो रहा है, जैसा कि पता है आप लोगों के तोड़ दिया था ये गवर्नमेंट ने, और जो बाहर की कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा की हुई थी, तो अब देखें क्या हो गया इसका हाल और क्या नहीं। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि इसका एंट्रेंस का जो गेट था वहाँ से भी बहुत कुछ तोड़ दिया इन लोगों ने, और ये एंट्री पे भी ये हाल हो गया। अब देखने आए, देखते हैं अंदर जाके कि क्या हो गया और क्या नहीं। तो गाइस, हमने खाना वाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो आएँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं कि क्या है और क्या नहीं, कौन कौन से जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब आप लोगों को दिखाती हूँ। और आई होप कि कुछ बेहतरी आ गई होगी यहाँ पे, क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बट देखते हैं क्या होगा। इस पहला पिंजरा आ गया है, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे क्या आया, ये देखते हैं। यहाँ है पाकिस्तानी बंदर, ठीक है, पाकिस्तानी बंदर है, जाए वको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चले आए देखते हैं। बंदर 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 है कहाँ पर बंदर तो है ही नहीं। बंदर बंदर वेयर आर यू, ओ ये रहा, बहुत जूम करके दिखाना पड़ेगा, वो रहा जो कि ऊपर चढ़ा हुआ है। फाइनली हमें बंदर दिख गया इतने बड़े पिंजरे में, ये सामने ही बिल्कुल मौजूद है मुमताज महल, या मुमताज महल जो हम बचपन में बहुत आया करते थे, और हम यही कहते थे कि सर कट्या मतलब शेर की बॉडी होती है और सर है उसका, ये रही मुमताज़ बेगम, और इसी के बराबर में सरकटा इंसान। अभी हम जा रहे हैं बत्तखों को देखने के लिए, जो कि सबसे प्यारी लगती हैं मुझे। ये रही क्यूट क्यूट सीरक्स, और ये है मेरा बेटा मोहम्मद आरिस, मोहम्मद आरिस, मोहम्मद आरिस। हम जा रहे हैं यहाँ चिड़ियाघर की कश्ती रानी जो है उसकी सवारी करने के लिए, तो आइए आप लोगों को भी मैं सवारी करती हूँ उसकी। आई होप आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय करेंगे, और प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टार्टिंग किया है मैंने, फ़र्स्ट व्लॉग है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग ज़रूर लाइक शेयर करेंगे। गंदा तरीन पानी हो रहा है, बट हम फिर भी बैठेंगे, बिकॉज वी आर मेमन यो यो। पानी में से स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही है, आई डोंट नो ये लोगों ने कितने टाइम पहले पानी चेंज किया या किया भी है, ये सालों कदीम है कि पानी चल रहा है ये। आई होप यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेगी और थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश करेगी, यही वही जगह है जब हम अपने बच्चों को बता सकते हैं, जहाँ लेके जा सकते हैं। अम्यूजमेंट पार्क वगैरह भी बहुत हैं आजकल, बट ये चीज़ें तो हिस्टोरिकल होती हैं। ये देखिए पानी में हाल, देखिए पानी का। गाइस अब हम वापस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी झूले वगैरह थे वो सब कुछ हटा दिए गए हैं, आई डोंट नो क्यों, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था यहाँ का, बट अब सब कुछ तोड़ दिया, बस यहाँ पे दो तीन जंपिंग वगैरह हैं और दो तीन छोटे छोटे से झूले हैं बड़ों के लिए, मतलब जो भी राइड्स वगैरह थी वो सब कुछ हटा दी गई हैं यहाँ से। आई डोंट नो कब ये बनेगा, क्योंकि आवाम के लिए एक बहुत अच्छी तफरी आती है जो कि अब ख़राब कर दी गई है पूरी। वो भी हम जा रहे हैं कुछ रिफ्रेशमेंट का सामान लेने के लिए, आइसक्रीम पॉपकॉर्न वगैरह, देखें यहाँ पर क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं। तो अभी मैंने पॉपकॉर्न्स लिए हैं और अब मैं आगे जा रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ ढूंढने के लिए कि यहाँ कहीं फ्रेंच फ्राइज़ मिल जाए हम लोगों ने, आई होप मिल जाए। और फाइनली हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज़ भी ले लिए हैं, आइसक्रीम भी ले ली है।
और ये कुछ वीडियोज़ हैं वहाँ की जो मेरी सिस्टर वगैरह ने टिकटॉक वगैरह बनाए, बच्चों ने जो इन्जॉय किया, इन लोगों की इन्जॉयमेंट थी। कुछ आदि वीडियोज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाएंगे। फर्स्ट वीडियो है मेरी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ न्यू देखने को मिलेगा। अपना इंट्रोडक्शन कराऊंगी मैं, और अब आप लोग देखेंगे मेरी टिकटॉक। ख्वाबों को हमने सजा लिया, किसी की बाहों में सोए हुए अपना